को तो भाई बहुत सारे पेटी भर के अपडेट है आज की इस वीडियो के अंदर। मैं सीधे वीडियो को शुरू करता हूँ और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो भाई कल का जो रॉ होने वाला इस पूरे साल का सबसे बेहतरीन रॉ होने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने पहले से ही बहुत सारे चीजों को एडवर्टाइज कर दिए कल के मंडे नाइट रॉ के लिए। सबसे पहले भाई नंबर वन कंटेंडर के लिए कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसे किस तरीके से करवाती है तो हमें कल के रॉ के ऊपर ही पता चलेगा। मेबी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर एक टूर्नामेंट करवा सकते हैं टैग टीम चैंपियंस बेल्ट के लिए। वैसे भाई वीर महान भी इस मतलब टूर्नामेंट के अंदर रहने वाले। नेक्स्ट इसके बाद आपको वुमेन्स डिवीजन का भी आपको टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला कल के रॉ के ऊपर, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं, क्योंकि भाई मुझे ऑलरेडी पता है कि टेगन 900 नटालिया इस मैच के अंदर विन नहीं करने वाले। सबसे कमाल की बात यह कि भाई हमारे द बाइपर रैंडी ऑटन आने वाले कल के रॉ के ऊपर, जो कि सच में काफी कमाल का चीज है। अगर आप लोग अभी भी एक्साइटेड नहीं हुए तो भाई सीएम पंक भी कल के रॉ के ऊपर आने वाले, मतलब डब्ल्यूई वाले सच में बवाल फोड़ने वाले हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल वालों ने पहले से इस बात का प्रेडिक्शन कर लिया कि कल का रॉ का वेट सिर्फ 2 मिलियन से ऊपर 100% जाने वाला। देखते हैं यार, मेरे ख्याल से भाई 2 मिलियन से ऊपर मेरे ख्याल से 100% डिजर्व करता है कल का। नेक्स्ट में बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो भाई सीएम पंक का सबसे फर्स्ट अपोनेंट कौन होना है, इसको लेकर आपके माइंड में करंट टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है। भाई मैं आपको बता दूं, अब रिपोर्ट आ चुका है एक्चुअली कौन सबसे फर्स्ट अपोनेंट होने वाला हमारे सीएम पंक। तो सबसे पहले भाई अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू सर्वाइवर सीरीज देखें तो भाई बहुत सारे रेसलर का नाम हमारे माइंड में आ रहा था, जैसे सबसे पहले ड्रू मैकइंटायर वहां से चले गए थे, तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि शायद ड्रू मैकइंटायर अपोनेंट हो सकते हैं। उसके अलावा सेथ रॉलिंस को भी आप लोगों ने देखा होगा, भाई सेथ रॉलिंस भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे सीएम पंक के वापस आने से। साथ ही साथ अगर हम लोग सीएम पंक का बात करें तो भाई उन्होंने खुद रैंडी ऑर्टन का हिंट दिया। रैंडी ऑर्टन जिस तरीके से अपना हाथ को ऊपर करते हैं सेम सीएम पंक उसी तरीके से करके दिखा। भाई सैडली ये सब में से कोई भी अपोनेंट सीएम पंक के सबसे फर्स्ट नहीं होने वाले। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाप के नजायज औलाद डॉमडॉम सबसे फर्स्ट अपोनेंट होने वाला है सीएम पंक का, जो कि भाई सच में बहुत ज्यादा क्रेजी है। और इस राइवलरी को ऑलरेडी स्टार्ट डॉमडॉम कर भी चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। भाई सीएम पंक यूएफसी के अंदर जो हारे थे उस वाले मतलब फोटो को यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ भाई, कल का जो मंडे नाइट रॉ होने वाला उसका स्टार्टिंग कोई और नहीं सीएम पंक ही करने वाला। आपको पता है जब सीएम पंक मंडे नाइट रॉ को स्टार्ट करेगा तो उनको इंटरफेरेंस करने के लिए कौन सा टीम आएगा, जजमेंट डे। जजमेंट डे सिंपल तरीके से इस बात को बोलेगा कि मतलब मंडे नाइट रॉ मेरा है, हम लोग मंडे नाइट रॉ को चलाते हैं, तुम यहाँ से चले। फिर आपको पता आगे का क्या स्टोरी होने वाला, सीएम पंक का मैच उसके बाद डॉमडॉम के साथ साइज से सेटअप होगा। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि डब्ल्यू वाले बेटर अपोनेंट भी सीएम पंक को दे सकती थी पर डॉमडॉम को क्यों दी, तो भाई मैं आपको इसके पीछे का रीजन बता दूं। करेंट टाइम में सीएम पंक जैसे ही वापस आए थोड़ा टाइम लगेगा सीएम पंक को स्टेबल होने में करेंट। साथ ही साथ भाई अभी डब्ल्यू का कोई भी पीपीवी होने नहीं वाला, तो डब्ल्यू वाले बस एज ए टाइम पास यहाँ पर स्टोरी लाइन बहुत सारे चलाने वाले। आई होप आप लोग सारे लोग समझ गए होंगे, डब्ल्यू वाले इसीलिए करंट टाइम मतलब एज ए टाइम पास यहाँ पर डॉमडॉम के साथ रेवलरी इनका करवा रहे हैं। मेरे ख्याल से बस आप लोग रॉयल रंबल तक वेट कर लो, रॉयल रंबल के बाद आपको सीएम पंक के एज ए अपोनेंट आपको सेथ रॉलेंस देखने को मिल सकता है। सीएम पंक जो वापसी किए इनका करेक्टर कौन सा है, हील है या फिर फेस है, आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का एक्चुअली में। भाई मैं आपको बता दूं सीएम पंक का जो करंट टाइम जो करेक्टर बताया जा रहा है वो एज ए न्यूट्रल करेक्टर बताया जा रहा है। न्यूट्रल करेक्टर वो होता है जब रेसलर एज ए हील भी काम करता है एज ए बेबी फेस भी काम करता है। आप लोग करंट टाइम में थोड़ा सा रोमन रेंज को ले सकते हो, भाई रोमन रेंज को ऑडियंस प्यार भी करता है एक्नॉलेज भी करता है पर मतलब उनको हेट भी करता है। आप लोग रैंडी ऑर्टन का भी देख सकते हो, भाई रैंडी ऑर्टन मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमेशा से एक न्यूट्रल करेक्टर ही प्ले किया। रैंडी ऑर्टन और सीएम पंक हमेशा से थे तो एक हील, पर भाई उनको बेबी फेस वाला रिएक्शन मिलता था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जब भी वो आरकेओ लगाते थे या फिर प्रोमो कट करते थे। भाई डॉमडॉम वाला इनके साथ कोई सिचुएशन नहीं होने वाला, डॉमडॉम को बस गाली ही पड़ता ऑडियंस की तरफ से। वैसे भाई सीएम पंक जब वापस आए इतने साल बाद तो भाई आते के साथ उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बना दिए। एक दिन गूगल के ऊपर सर्च किए जाने वाला तीसरा इंसान सीएम पंक थे या फिर तीसरा टर्म सीएम पंक थे जिनको सबसे ज्यादा लोग सर्च किए थे। 5 लाख के अप्रोक्स लोगों ने कल के दिन गूगल के ऊपर सर्च किया था। भाई 5 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि भाई जनरली लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करते हैं, गूगल के ऊपर कोई भी सर्च उतना नहीं करता। नेक्स्ट बात करते हैं अपने द बाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई करंट टाइम में एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा करंट टाइम वायरल हो रहा है, जिसके अंदर रैंडी ऑर्टन जो भाई मतलब अपना 10 फिंगर को यहाँ पर दिखाते हैं कि 10 साल अभी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो रहने वाले। आपको एग्जैक्ट वो वीडियो दिखाता हूं जिसके अंदर रैंडी ऑर्टन इशारा करे कि वो 10 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी और वो रहने वाले, और उन्होंने यहाँ पर 10 मोर ईयर मतलब यहाँ करके बोला भी। अगर हम लोग इसे प्रैक्टिकली देखें तो भाई 10 साल एक टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। करंट टाइम 43 ईयर के ऑलरेडी हमारे रैंडी ऑर्टन, मेरे ख्याल से 53 ईयर के एज में अंडरटेकर और गोल्डबर्ग जैसे रेसलर मतलब रेसल कर पाते हैं। 10 ईयर तो नहीं पर हाँ अभी 7 से 8 साल रैंडी ऑर्टन आराम से रेसल कर सकते हैं 50 के एज। हाँ यहाँ पर मैं कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई रिसेंट टाइम आप लोगों ने देखा रैंडी ऑर्टन का रिसेंट टाइम मतलब सर्जरी हुआ था बैक वाला बहुत बुरा, और इवन डॉक्टर ने मतलब बैंड कर दिए थे कि रैंडी ऑर्टन कभी भी आरकेओ नहीं लगा सकते, उसके बाद भी मतलब ये आकर लगा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है भाई इनका बैक इंजरी आने वाला टाइम में और भी ज्यादा मतलब बढ़ जाने वाला है। देखते हैं रैंडी ऑर्टन कितना साल तक रेसलिंग करते हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में, सारे लोग अपना रेकमेंड में जरूर से बता सकते हैं। भाई रैंडी ऑर्टन कल के दिन एरिना जब छोड़कर जा रहे थे तो एरिना छोड़ने से पहले मतलब अपने सारे फैंस यहाँ पर हाथ वगैरह मिला रहे थे, और करंट टाइम एज ए प्योर बेबी फेस रेसलर जैसा मतलब करंट टाइम मतलब एज ए मतलब यहाँ पर प्रिटेंड कर रहे हमारे रैंडी ऑर्टन। मेरे ख्याल से अब तो डेफिनेटली आपको रैंडी ऑर्टन एज ए बेबी फेस ही मतलब आपको कुछ टाइम तक देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इनको हिल्टन करना होता तो भाई ऑलरेडी इन्होंने हिल्टन कर लिया होता मतलब सर्वाइवल सीरीज के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एक और गुड न्यूज के बारे में, जो कि भाई हमें इस बार
का सर्वाइवल सीरीज के अंदर देखने को मिला। स्टेफनी मैकमैन जिनका झगड़ा हो चुका था विंस मैकमैन के साथ, भाई वो फिर से वापस आ चुके हैं कंपनी के अंदर। वारगेम जब मैच हो रहा था तो उस मैच को देखने के लिए स्टेफनी मैकमैन खुद रिंग साइड को ऊपर आए थे, आप लोग यहाँ पर फोटो के अंदर देख भी सकते हैं। तो मुझे जो लगता है भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का शायद से धीरे धीरे अच्छा दिन आने वाला, अब सारे रेसलर मतलब जल्दी जल्दी वापस आ रहे हैं। फिर मेरे ख्याल से जब विंस मैकमैन का जब कोई भी शेयर नहीं रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, उसके बाद ही मतलब स्टेफनी मैकमैन हमें देखने को मिली है कंपनी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर के बारे में। तो भाई ड्रू मैकइंटायर के बारे में जो भी कंफ्यूजन चल रहा था, करंट टाइम में सारा चीज सॉर्ट आउट हो चुका है। ड्रू मैकइंटायर जो एरिना छोड़कर गए थे वो सारा चीज ड्रू मैकइंटायर करेक्टर के अंदर किए थे भाई। ऐसा कुछ नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से करंट टाइम में नफरत कर रहे हैं या फिर परेशान हो चुके हैं। और वो आखिर एरिना छोड़कर क्यों गए थे, इसके पीछे का एग्जैक्ट उन्होंने रीजन बताया रिसेंट टाइम में लाइव इवेंट के अंदर। रिसेंट टाइम में उनका वीडियो निकलकर सामने आया जिसके अंदर ड्रू मैकइंटायर बहुत ज्यादा इसलिए गुस्सा दिख रहे क्योंकि भाई वार गेम के अंदर वो मैच हार चुके थे। मैं बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से प्रोमो नहीं सुन पाया था, पर ड्रू मैकइंटायर इसी बात को बोलते कि मैं जब वार गेम के अंदर हार गया तो इसे देखने के बाद तुम्हें बहुत मजा आया और इसलिए मैं एरिना छोड़कर गया था, मुझे तुम लोग सारे लोग से नफरत है। मतलब भाई करंट टाइम सिर्फ ये मतलब एज ए हील कैरेक्टर मतलब बस ये प्ले कर तो भाई कोई भी घबराने वाली बात नहीं क्योंकि भाई ड्रू मैकइंटायर कहीं जा नहीं रहे। कल के रॉक ऊपर हमें शायद से फिर से देखने को मिल भी सकते। बस मैं ये होप करो कि भाई डब्ल्यू वाले मतलब इनको एक अच्छा स्टोरी लाइन के अंदर बुक करे, मैं बस यही होप कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं एडब्ल्यू कंपनी के मालिक टोनी खान के बारे में। तो भाई एक बंदा के वापस आने की वजह से टोनी खान का हालत करंट टाइम में बिल्कुल खराब हो चुका है। मैं आपको बता दूं टोनी खान वो बंदा जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के हर एक छोटे मोटे चीज के ऊपर रिएक्ट करता है, उसके ऊपर ट्वीट करता है। भाई सीएम पंक जब वापस आए भाई उसके बाद टोनी खान बिल्कुल साइलेंट है, उनके तरफ से एक भी रिएक्शन नहीं निकल कर सामने आया। ऐसे भाई अगर मैं आपको सही बताऊं तो भाई सीएम पंक एक बहुत बड़ा कमीना रेसलर है, मतलब आपको इस बात को मान लेना चाहिए। आप लोग सोचो ये बंदा सबसे पहले एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाता है, एडब्ल्यू कंपनी का सबसे हाईएस्ट पेड रेसलर बनता है, उसके बाद ये बंदा एडब्ल्यू चैंपियन भी भाई दो बार बनता है, मेरे ख्याल से दूसरा बार भी चैंपियनशिप अपना लेकर आया। उसके बाद ये बंदा जानबूझकर झगड़ा करता है एडब्ल्यू कंपनी के बैकस्टेज ताकि इनको कंपनी से निकाल दिया जाए। आज ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ चुका है तो भाई हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, पर हाँ टोनी खान के साथ इन्होंने बहुत गलत किया ये बात मानना पड़ेगा। भाई मैं आपको बता दूं अब टोनी खान का पर्सनली मतलब उनका हालत है बहुत ज्यादा बुरा होने वाला, एडब्ल्यू कंपनी का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने वाला। भाई सीएम पंक अकेले अपने दम पर एडब्ल्यू कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रोथ दे रहा था, पर भाई करंट वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ चुका है। भाई ये चीज तो कंफर्म है कि कल के दिन मंडे नाइट रॉ को एडब्ल्यू कंपनी के सारे फैंस देखने वाले हैं। वैसे भाई चाहे जो भी हो पर सीएम पंक वापस आ गए ये बहुत बड़ा खुशी वाली बात है यार, हम लोग को बिलीव नहीं हो रहा है करंट में कि मतलब हाँ सीएम पंक वापस आ सकते हैं। वैसे भाई मैं आपको एक और बड़ा कमाल का न्यूज बताता हूँ। एक्चुअली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को पहले से ही पता था कि सीएम पंक वापस आने वाले हैं। उन्होंने सीएम पंक के आने से पहले अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी को भी लगाया था। हाँ मैं करंट टाइम इसे डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है, पर हाँ ये सीएम पंक का ही रेफरेंस था एक्चुअली। वैसे अगर मैं आपको सीएम पंक के बारे में अगर मैं आपको फ्यूचर का थोड़ा सा और अपडेट बताऊं तो भाई रॉयल रंबल इस बार का सीएम पंक ही जीतने वाला है ऐसा बताया जा रहा है। देखो करंट टाइम में फिर से रिपोर्ट आया कि कोडी रोड्स इस बार का रॉयल रंबल नहीं जीतने वाले, डब्ल्यू वाले मतलब कोडी रोड्स को पूछने ही नहीं। कोडी रोड्स के बाद अगर हम लोग एले नाइट का बात करें तो भाई एले नाइट एक्चुअली वो बंदा जो कि करंट टाइम में डिजर्व नहीं करता। डब्ल्यू वाले भले ही करंट टाइम में एले नाइट को चाहे जितना पुश कर दे पर भाई रेसलमेनिया का जब बात आता है डब्ल्यू वाले बहुत बड़े बड़े रेसलर को वहां पर लेकर आते हैं। अगर आपके माइंड में गुंथर का नाम आ रहा है तो भाई गुंथर करंट में एज ए आईसी चैंपियन है। मैं आपको 100 बार बता चुका हूं इस बात को कि भाई एज ए चैंपियन गुंथर कभी भी रॉयल रंबल विन नहीं करने वाले। तो करंट में जिस बंदा का सबसे ज्यादा नाम आ रहा है हमारे सीएम पंक रॉयल रंबल विन करके सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने वाले सीधे रेसलमेनिया 40 के। ये चीज मैं आपको भाई बिल्कुल फुल फाइनल बता रहा हूँ क्योंकि भाई काफी टाइम से इसके बारे में एक्चुअल रिपोर्ट आ रहा है। वैसे भाई फाइनल अगर हम लोग गुंथर का बात करें तो भाई रिसेंट टाइम में गुंथर को चैलेंज कर दे रिको से। मुझे नहीं पता भाई ये 250 ग्राम का रेसलर गुंथर को क्या बिगाड़ पाएगा, पर हाँ कल के रॉक ऊपर आपको देखने को मिल सकता है रिको से गुंथर के सामने। हाँ मैं आपको फिर से बता दूं भाई कल का रॉ इस पूरे साल का सबसे बेहतरीन रॉ होने वाला और सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के ऊपर ही आता है। भाई सारे लोग सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो यार, कल के रॉ का सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के ऊपर ही आएगा। और बस आज का वीडियो के अंदर इतना ही। तो भाई वीडियो पसंद आया तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, जिन लोगों को मेरे से बात करना होगा इंस्टाग्राम।